एक डाल तो रहे हैं एक वेरिएबल में, ये जो ऑब्जेक्ट है एक हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल राइट, ये हमारा टेक्स्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम इस चीज को डाल तो रहे हैं, बट ये वर्क कैसे करेगा? तो इसके लिए हमने दो लिए, एक ऑर्डर समरी लिया, एक क्वांटिटी टेक्स्ट भी लिया, दोनों को किससे ढूंढा हमने? फाइंड व्यू बाय आईडी से, हमारी कॉफी ऑर्डरिंग ऐप में। तो टेक्स्ट व्यू की अगर फिर से हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और उसे एक्सटेंड करें, तो आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट व्यू की आईडी में जाने के बाद कि इसमें जो है ड्रॉ लिसनर पे है, और एक्सटेंड किससे हो रहा है? व्यू से, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे हमें एक बात ये पता लग रही है, इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। कास्टिंग मतलब कि आप किसी चीज को कास्ट करके, एक चीज में रैप करके किसी एक वेरिएबल में डाल रहे हो। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें डेटा टाइप बताना है, ये दोनों कंपैटिबल नहीं होंगे एक दूसरे के। यहाँ पे अभी पूरी मेजर एरर इसलिए नहीं आई है क्योंकि मेरा ऑलरेडी विजिट ऐड है ऊपर टेक्स्ट व्यू का। अगर यहाँ पे ऐड नहीं होता तो यहाँ पे एक मेजर फेटल एरर होती, यहाँ पे ये सेट टेक्स्ट यहाँ पे वर्क नहीं करता। तो वो क्यों नहीं करता? क्योंकि जब मैंने ये फाइंड व्यू बाय आईडी कास्ट करी, इसे क्या कहते हैं? कास्टिंग कहते हैं। ये टेक्स्ट व्यू से इस व्यू में डालना किसे कहते हैं? कास्टिंग। तो एक कास्टिंग, अगर हम इसे बताएंगे नहीं कि कास्टिंग कौन से टाइप की कौन से टाइप में जा रही है, ये टेक्स्ट व्यू है, तो ये वाला वेरिएबल किस टाइप का डेटा टाइप है? टेक्स्ट व्यू टाइप का। तो जो हम उसमें डाल रहे हैं वो भी तो हम बताएंगे किस टाइप का है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसे कास्ट कर रहे हैं कि भैया ये भी टेक्स्ट व्यू टाइप का है। तो इसी वजह से जब ये इस वेरिएबल में जाता है तो वो कभी एरर शो नहीं करता है। तो जब हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो कुछ उसमें हमें टेक्स्ट व्यू क्यों देना पड़ता है, इसकी कास्टिंग क्यों करनी पड़ती है, वो इसलिए जब आप सेट टेक्स्ट करोगे तो एक आपने सिंपली उसे एक वैल्यू सेट करा दी राइट। हमने एक मेथड कॉल करा ऑब्जेक्ट पे, इमेज उसमें भी एक इमेज सेट करा दी, हमें कोई वो नहीं देनी उस पे, वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। लेकिन जब टेक्स्ट व्यू का साइज देना है, जब हमें उसे कॉल करना है कहीं पे, तो आप ये देखो इंट वेरिएबल की, इंट डेटा टाइप की जो है हमें एक वैल्यू चाहिए रिटर्न में। तो वो टेक्स्ट व्यू जो है क्या है? एक रिटर्न फाइल दे रहा है। तो इसलिए हमें देना पड़ता है, कास्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम कास्टिंग ना करें तो जो रिटर्न टाइप होगा वो फेल हो जाएगा राइट। तो इसमें हमें जिस जिसमें भी ओवरले में, टेक्स्ट व्यू में देखो आप जितने भी ओवरले फंक्शंस हो रहे हैं, जिस जिसमें जो पैडिंग है, तो जिस जिसमें हमें वैल्यू रिटर्न करनी है, सब में जिसमें भी रिटर्न हो रहा है उसमें सब में किस में आएगा? एंड में आएगा, उसमें कास्टिंग होगी। तो कास्टिंग हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे रिटर्न टाइप हो वो हमारे क्या नहीं हो, गड़बड़ ना हो। तो इससे हमारी कास्टिंग से हमारी एरर नहीं आती है, ताकि हम इसे बता सकें कि भैया ये डेटा टाइप ही है। ओके, तो गाइस अब हम क्या करना है, हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पार्ट सेकंड में हैं, जो हमारा यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस के हम लास्ट पार्ट में हैं, फिफ्थ पार्ट में। इसके बाद हम शुरू करेंगे मल्टीपल स्क्रीन। तो फिलहाल हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 में क्या सीखेंगे, बूलियन और कुछ और कॉन्सेप्ट्स और देखेंगे। इसमें हमें फर्स्ट कोडिंग टास्क में क्या करना है, हमारी अभी तक जो कॉफ़ी ऑर्डरिंग ऐप था उसमें क्वांटिटी थी, ऑर्डर समरी था, और ऑर्डर क्लिक करके हमारी ऑर्डर समरी आ जाती थी। बट अब हमें क्या करना है कि कॉफ़ी में हो सकता है कोई व्हिप्ड क्रीम या और सारी टॉपिंग्स ऐड करे, तो हमें वो भी सीखना है कि हमें कैसे ऐड करना है वो राइट। तो हमें इसमें सबसे पहले एक तो हेडिंग बनानी है, हेडर बनाना है ये टॉपिंग के नाम से, और एक चेक बॉक्स लगाना है, इसे क्या कहते हैं? चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स बनाना है किसका? व्हिप्ड क्रीम का, ठीक है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए जो हमारा वो है लेआउट है वो क्या होना चाहिए? एक तो व्हिप्ड क्रीम और इसके बीच में, चेक बॉक्स के बीच में 24 dpi का डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए और थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए, और जो व्हिप क्रीम का साइज है वो कितना होना चाहिए? 16 sp। तो अगर हम चेक बॉक्स इस पे गूगल पे सर्च करें, क्योंकि तो अभी तक हमने चेक बॉक्स करा नहीं है तो हमें इसकी कोडिंग नहीं पता कि क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया, तो फर्स्ट पे क्लिक, जैसे ही हम फर्स्ट उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया चेक बॉक्स राइट।
तो टेक्स्ट बॉक्स की हमारे व्यू सोर्स पे भी जा सकते हैं या फिर इसका थोड़ा सा कोई एग्जांपल सर्च कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा नीचे गए, नीचे हमारे पास एग्जांपल आ गया कि ये इमेज दिखा दी इन्होंने कि चेकबॉक्स कौन सा होते हैं जिस पर टिक लगाते हैं, राइट। बट हमें क्या चाहिए, एक्सएमएल की कोटिंग की कैसे हमें वो करना है। तो यहाँ पे एक नीचे थोड़ी सी और स्क्रॉल करके हमें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी मिल गया कि लीनियर लेआउट में चेकबॉक्स क्या लगाते हैं। सिंपल, हमें चेकबॉक्स लिखना है और वो आ जाएगा। बट ये भी अभी थोड़ी, क्योंकि इसमें कोडिंग वो वाली है जो हमें अभी नहीं करनी, तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो चेकबॉक्स का ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें एक आईडी दे रखी है, लेआउट वर्ड दे रखा है, टेक्स्ट दे रखा है और अपीयरेंस दे रखा है। फिलहाल हमें क्या है, चेकबॉक्स कैसे लिखना है, हमें अपनी एक्सएमएल फाइल में हमें वो पता चल गया है कि सिंपल कैपिटल सी से चेकबॉक्स आ जाएगा और हमें उसमें अप्लाई कर देंगे। तो आइए हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर, वहाँ पे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम आ गए अपनी मेन एक्टिविटी में, पर हमें किस में चेंज करना है, सबसे पहले लेआउट फोल्डर में, राइट। तो यहाँ पे हम गए लेआउट में आ गए हम, और इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, जो क्वान्टिटी है ये किस नीचे आना है, राइट। तो सबसे ऊपर का जो टेक्स्ट व्यू है यही वाला आ रहा है, तो अगर मैं क्वांटिटी वाला, राइट, ये क्वांटिटी वाला टेक्स्ट व्यू है, फिर लीनियर लेआउट यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो मैं अगर इसी टेक्स्ट व्यू को कॉपी कर लूँ और इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर पेस्ट कर दूँ, इसे थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं, राइट, और इसका जो क्वांटिटी है उसकी जगह क्या लिख देते हैं, हमें क्या था, टॉपिंग्स, राइट, टॉपिंग्स। तो यहाँ पे तो क्या आ गई हमारी, टॉपिंग्स आ गई, राइट। उसके बाद हमारा ये तो आ गया है, अब इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, हमें क्या था, चेकबॉक्स ऐड करना था। तो चेकबॉक्स ऐड करने के लिए हमने क्या देखा था, सिंपल क्या देखना है, ये चेकबॉक्स की हमारे ऊपर वो आ गए, हमने चेकबॉक्स लिख दिया, इसे रैप कॉन्टेंट एंड रैप कॉन्टेंट, और टेक्स्ट में क्या लिख दिया हमने, हमें क्या चाहिए था, व्हिप क्रीम, राइट। तो हमने क्या लिख दिया, व्हिप क्रीम, ओके। और यहाँ पे हमने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा, क्लोजिंग वो लगा दिया ब्रैकेट्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तो हमारा ये हो गया है बिल्कुल सही से, ये हमारा लेआउट आ गया है और ये हमारी व्हिप क्रीम आ गई चेक बॉक्स के साथ। अब मैं इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कैसे हमारे ऐप में दिख रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसमें हमारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, एमुलेटर यहाँ हमारा रन हो चुका है, और यहाँ पे क्या आ गई है, टॉपिंग्स आ गई है जिसमें व्हिप क्रीम आ चुका है, जिसमें एक ये एनिमेशन भी ऐड हो गया, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये टिक बॉक्स दिखा देगा। बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है, तो हमारे स्क्रीन के इसमें मार्जिन नहीं दी हुई अभी हमने, जैसे क्वान्टिटी और बाकी सब में लाइन से नहीं आ रहा और बाकी सब इसमें एक्यूरेट है। तो अभी हम सिंपल हमारे देख लेंगे कि हमने बाकी सब में कितनी दे रखी है, हमने बाकी सब में 20 के आसपास मार्जिन दे रखी है लेफ्ट में, राइट। तो हम सिंपली इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये हमने दे दिया, ये एक हमें इसमें ये दे दिया है, एक हमें टेक्स्ट साइज, मैंने बताया था आपको हमें टेक्स्ट साइज देना है, इसमें कितना है? उसका चाहिए मुझे 16 SP का, राइट, 16 SP का टेक्स्ट चाहिए था। तो ये 16 SP का हमारा ये चेंज हो चुका है, और इस चेकबॉक्स और इस टेक्स्ट के बीच में मुझे स्पेस चाहिए। तो उसके लिए आप क्या, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ये चीज़ मैंने भी बहुत बार करके, जब मैंने स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करा था, कई बार प्रैक्टिस करने पे आई है कि कौन सा यहाँ पे देनी पड़ेगी, ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पैडिंग देनी पड़ेगी हमें, पैडिंग लेफ्ट कितनी दी हमने, 24 dp। तो इसी के साथ देखिए आप व्हिप क्रीम में, और उसमें स्पेस आ गई है, ओके। तो ये हमारा पूरा हो गया है, इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा रन होके आ गया है, टॉपिंग आ गई हमारी, उसमें हमारी व्हिप क्रीम आ चुकी है, जिस पे मैं क्लिक करते ही ये एक एनिमेशन बटन ऐड हो रहा है। तो इससे हमें अभी आगे क्या क्या करना है, हमें और भी ज़्यादा टॉपिंग्स ऐड करेंगे, और इसमें क्या होगा कि जो भी हम टॉपिंग ऐड करेंगे उसका प्राइस इंक्लूड होगा जो हम ऑर्डर समरी देंगे। इस वक्त हमारी ऑर्डर समरी में
वही चीजें आ रही हैं जो पहले आ रही थी, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा है, तो इसकी टेंशन अभी नहीं लेनी है हमें, वो हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा हम उसे फिक्स करते रहे।